क्या तुम अपने माइनक्राफ्ट के लिए एक ऐसा टेक्सचर पैक ढूंढ रहे हो जो गेम खेलने के एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल कर दे? गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ही टेक्सचर पैक। टेक्सचर पैक का नाम है स्ट्रेट रूट टेक्सचर पैक। के लिए बहुत सारे टेक्सचर पैक आते हैं, बट गाइस, मार्केट में ऐसे बहुत कम टेक्सचर पैक है जो विजुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाए। लाइक आपके सामने एक माइनक्राफ्ट का ट्री है, वो एकदम नॉर्मल दिखता है। अगर आप सभी को टेक्सचर पैक अप्लाई करोगे तो ज्यादा से ज्यादा उस ट्री का कलर चेंज हो जाता है। जो स्ट्रेट रूट टेक्सचर पैक है, इसमें पूरा का पूरा ट्री ही चेंज हो जाता है। इसका मतलब स्ट्रेट रूट टेक्सचर पैक में जो नेचुरल चीजें है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट है माइनक्राफ्ट का, वो चेंज होता है। लाइक फॉरेस्ट, ओशन, केव्स, ट्री, लीव्स, ग्रास, वाटर, ऐसे करके बहुत सारी चीजें ये एकदम टोटली चेंज हो जाती है। इसको कुछ इस तरह समझते हैं। लाइक ये इमेज है आप सभी के सामने, इसमें लेफ्ट साइड की तरफ नॉर्मल टेक्सचर है, स्ट्रेट ट्रू टेक्सचर पैक है, एंड दोनों में आप सभी वीट को देख सकते हो, यानी गेहूं है ना माइनक्राफ्ट का, उसको देख सकते हो इसमें कितना डिफरेंस है। लाइक एक और इमेज लेते हैं, इसमें आप सभी क्लियरली देख सकते हो पोटैटो को, लेफ्ट साइड का पोटैटो एंड राइट साइड का, इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है यार। लाइक आप सभी कैरेट को भी देख सकते हो, नॉर्मल कैरेट एंड जो स्ट्रेट ट्रू है ना उसकी कैरेट है ना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यही काम आप बीट रूट के साथ भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है ना कि ये नेक्स्ट लेवल जा रहा है। अगर आप वेजिटेबल्स को छोड़ दोगे, नॉर्मल जो ग्रास होती है उसको देखोगे ना, तो ये काफी इंप्रूव कर देता है। लाइक लेफ्ट साइड में आप सभी देख सकते हो नॉर्मल है, एंड राइट साइड में आप सभी देखो कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। आप सभी के सामने मैं कुछ और भी इमेजेस दे रहा हूँ, इसमें आप सभी क्लियरली देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा कमाल का टेक्सचर पैक है। ये हर बायोम के लिए है, ओनली प्लेन बायोम या फिर वेजिटेबल्स के लिए नहीं है, ये हर एक चीज के लिए है, हर एक ट्री के लिए है। अगर आप सभी बिल्डिंग करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो ये आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल इमेज में ले रहा हूँ, इसमें लेफ्ट साइड की तरफ कुछ फ्लावर्स को दिखाया गया है, एंड राइट साइड की तरफ भी फ्लावर ही है, बट वो स्ट्रेट रू वाली फ्लावर है। एंड इमेज में आप सभी क्लियरली देख सकते हो कि इन सबको कितना ज्यादा चेंज किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेचुरल चीजों को ही चेंज करता है, यह ब्लॉक्स को भी चेंज करता है। इस इमेज में आप सभी देख सकते हो क्लियरली ये ब्लॉक्स को किस तरह से चेंज करता है। एक बार और बता रहा हूँ, अगर आप सभी बिल्डिंग करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, इस टेक्सचर पैक को अप्लाई करोगे ना, तो नेक्स्ट लेवल तुम्हारी बिल्डिंग शो होने वाली है। एकदम ऐसा लगने वाला है कि 100% से 1000% आपका बिल्डिंग चला। यहाँ पर एक और इमेज है, इसको थोड़ा दूर से लिया गया है, एंड इसमें आप सभी देख सकते हो जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड थोड़ी सी ग्रीन है, राइट साइड थोड़ी सी येलो है, दिखने में राइट साइड ज्यादा कूल है। ये स्ट्रेट रू टेक्सचर पैक जो मैं दे रहा हूँ, ये जावा एडिशन वाला है, पॉकेट एडिशन वाला नहीं है। तुम सब जावा एडिशन का यूज करते हो तो उसमें इस सबको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर पहले से ही वीडियो है।